प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 15 का अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसमें अभ्यास का अर्थ है बैक एक्सरसाइज जो होती है इसकी, जो पीछे प्रश्न दिए होते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक। मौखिक का अर्थ है सिर्फ बोलकर। ठीक है, ये अपनी कॉपी पे नहीं लिखनी है। इसमें है चमकू कौन था। चमकू एक विचित्र प्राणी था। ठीक है, ख भाग है चमकू किस दुनिया का प्राणी था। चमकू बाहरी दुनिया का प्राणी था। किसान खेत में क्या कर रहा था। किसान खेत में बीज डाल रहा था। ठीक है, ये आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये इसके प्रश्नों के उत्तर भी आते होंगे। तो इसके बाद जो लिखित प्रश्न है ये हमने अपनी कॉपी में कर लिए हैं। आगे देखेंगे, चित्र के नाम पर सही लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। ठीक है, ये चित्र बना है तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ का चित्र है और वाक्य को आप दोबारा लिखेंगे। सुबह हुई तो ये क्या है, चिड़ियाँ चहकने लगी। ठीक है, और चिड़ियाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, ख भाग है ये किसकी पिक्चर है, तस्वीर है, खेत में बीज डाल रहा था। तो किसान खेत में बीज डाल रहा था। धोपी, किसान और बढ़ई तीन ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आप किसान पे सही का निशान लगाएंगे। मछुआरे नदी में जाल डालकर डैश पकड़ रहे थे, मछलियाँ, मगरमच्छ या मक्खियाँ। तो मछुआरे क्या पकड़े थे, ये क्या है, मछलियाँ। तो मछलियाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे ये इसको सिर्फ आप देखेंगे कैसे इसको लिखना है, पढ़िए और समझिए। मम्मी पापा, इसका अर्थ क्या है, मम्मी और पापा। हरा भरा, हरा और भरा। मेज़ कुर्सी, मेज़ और कुर्सी। ठीक है, आगे देखिए, ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी का अर्थ क्या है, बहुत ठंडी। धीरे धीरे, बहुत धीरे। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, इसको पढ़ें और समझें। आगे देखेंगे, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण क्या है, नदी पर मछुआरा था, नदी पर मछुआरे थे। इसका अर्थ है इसमें हमने क्या किया, वचन बदला। ठीक है, ये एकवचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, तो अब बाकी के जो वाक्य हैं इनमें भी हम वचन बदल के इन वाक्यों को दोबारा से लिखेंगे। नदी के किनारे धोबी था, नदी के किनारे धोबी थे। धोबी का जो बहुवचन है वो धोबी ही रहेगा। ठीक है, धोबी थे, थे का मतलब ये है कि ज़्यादा थे, एक से ज़्यादा। ठीक है, धोबी कपड़ा धो रहा था, धोबी कपड़े धो रहे थे। बढ़ई कुर्सी बना रहा था, बढ़ई कुर्सियाँ बना रहे थे। अब कुर्सी का क्या हो गया, यहाँ पर कुर्सियाँ छोटी की मात्रा लगी यहाँ पे। चंपू ने थैला उठाया, चंपू ने थैले उठाए। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है भाग इसका, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क भाग है जो मकान बनाता है, राजगीर या बढ़ई। तो ये राजगीर, क्योंकि बढ़ई जो है वो लकड़ी का सामान बनाता है। जो कपड़े धोता है, माली या धोबी। तो इसमें क्या आएगा, जो कपड़े धोता है, धोबी। जो अनाज उगाता है, धोबी या किसान। तो यहाँ पे आएगा किसान, अनाज उगाता है। जो मछलियाँ पकड़ता है, मछुआरा या राजगीर। तो मछुआरा मछलियाँ पकड़ता है। जो लकड़ी का काम करता है, दर्जी या बढ़ई। तो बढ़ई, दर्जी कपड़े सिलता है। ठीक है, अंग और ये चंद्र बिंदु वाले, बिंदी और चंद्र बिंदु वाले। ठीक है, तीन तीन शब्द लिखिए। ठंडी, भेंट, बातें, इसमें बिंदी आई है ऊपर। ठीक है, और चंद्र बिंदु वाले, वहाँ, चांद, चिड़ियाँ। ठीक है, यहाँ विलोम शब्द आपस में मिल गए हैं, इन्हें ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं, विपरीत शब्द। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे शब्द लिखे हैं, आप देखेंगे कि कौन से शब्द का विलोम शब्द कहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, जल्दी, देर, धरती, आकाश, इसी में ही है। धरती भी यहाँ पे है और आकाश भी इसी में ही है। उजाला, अंधेरा, शहर, गांव, बुरा, अच्छा, दूर, पास। ठीक है,
आगे देखेंगे मूल्य वर्ग प्रश्न। एक नंबर है, अगर मोची, डाकिया, दर्जी, पुलिस, डॉक्टर ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा, तो हमारे ये काम कौन करेगा? अगर डॉक्टर नहीं होगा तो मरीज का इलाज कौन करेगा? पुलिस नहीं होगी तो चोर को कौन पकड़ेगा? दर्जी नहीं होगा तो कपड़े कौन सिलेगा? डाकिया नहीं होगा तो हमें पत्र कौन पहुंचाएगा? और अगर मोची नहीं होगा तो जूते कौन सिलेगा? इसलिए इन जो हमारी ये हमारे सहायक हैं और इनका बहुत ही इनकी वैल्यू है, ठीक है, बहुत मूल्य है, इनके बिना हमारे काम रुक जाएंगे, ठीक है। दो नंबर है, हमारे सहायकों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये सारे हमारे सहायक हैं तो हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, और कभी भी इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इनके बिना हमारे काम नहीं चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, आप इन कामों के लिए किसके पास जाओगे? अपने कपड़े सिलवाने, दर्जी, अपने बाल कटवाने, नाई, अपने जूते सिलवाने, मोची, लकड़ी की कुर्सी बनवाने, बढ़ई, मिट्टी के दिए खरीदने, कुम्हार, कुम्हार जो है वो मिट्टी के दिए बनाता है ना, ठीक है, मिठाइयाँ खरीदने, हलवाई। तो इस तरह से आप वीडियो को देखने से पहले इसको पाठ की जो अभ्यास है इसको हल करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप अगर नहीं कर पाएंगे तो आप इसको वीडियो को देख के और फिर अपना इसको अभ्यास को अपना पूरा करेंगे, ठीक है। नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए, उन्हें पहचानिए और सही नाम चुनकर लिखिए। ये कौन है? मोची, डाकिया, अध्यापक, पुलिस, ठीक है, इसके नीचे आपने ये इनके नाम लिखने हैं। आगे देखिए, डॉक्टर, ये क्या है? डॉक्टर, दर्जी, माली, ये माली है, माली जो बगीचे की देखभाल करता है, दर्जी कपड़े सिलता है और डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक है। आगे दो चित्र दिए गए हैं, एक गांव का चित्र है और एक है शहर का चित्र। आपको इस चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हाँ अथवा नहीं में देने हैं, ठीक है। क्या गांव में बहुत सी गाड़ियां हैं? तो गांव में तो गाड़ियां नहीं होती ना, ये शहर में गाड़ियां हैं, तो गांव में हम क्या लिखेंगे? नहीं। क्या शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं? हाँ। क्या गांव हरा भरा है? ये देखो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो गांव हरा भरा है, हाँ। क्या शहर में कम भीड़ भाड़ है? क्या आएगा यहाँ पर? नहीं, क्योंकि शहर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। क्या गांव में औरतें कुएं से पानी ला रही हैं? तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, ये औरतें हैं, ये कुएं से पानी लेके आ रही हैं, तो इसमें लिखेंगे हाँ, ठीक है। इस तरह से इस पाठ का अभ्यास आप अपनी किताब में लिखेंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद बेटा।